वचन करेंगे। निरंतर शोध करते रहते हैं डॉक्टर साहब, और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, तो आज इस पुस्तक का विमोचन भी हो, हमारी बहुत बहुत इनको बधाई भी है कि आप समाज के लिए हमेशा कुछ ऐसे नया लिखते रहें, देते रहें, और हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए हमें हॉल भी निःशुल्क उपलब्ध कराते रहें। अच्छा, हम इनको बधाई भी देते हैं डॉक्टर साहब को। आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, आप सब लोग भी चाहें तो संबोधन रखें, उसके बाद धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ठाकुर हरीश सिंह। परमादरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड मंच पर बैठे सभी भाइयों और बहनों, डॉक्टर स्वामी को मैं काफी अच्छे से सुनता आया हूँ। आपका एक विजन था काफी पहले कि इंडिविजुअल पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो मैंने उस पर कई बार सोचा भी क्यों नहीं लगना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि विजन 2014 में ये पॉइंट आएगा कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम पर ना लगे। दूसरा, डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर बताया, एक कैलकुलेशन है कि जेपी को 600 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे पास अपनी कैलकुलेशन है, जो चैलेंज कोई भी करना चाहे कर दे, जेपी आज की तारीख तक 156,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे से कमा चुका है। ये कैलकुलेशन मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इसको बता दे, और 20 साल तक कमाई ये रहेगी तो कितनी कमाई इस तरह से नेताओं की जेब में एक्सप्रेसवे के नाम पर चली जाएगी। अगली बात, ये एक नारा होता है कि किसान को सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी पे यूरिया, सब्सिडी सब्सिडी। मेरे विचार से किसान को कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। यूरिया पर जितने भी टैक्स है, किसानों के लिए जो भी सामान आता है उसके सारे टैक्स आप हटा दो, किसान को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, और किसान को जो आपने कहा कि 1857 की बात कंट्रोल करने की, उनको गुलाम बनाने की साजिश चल रही हो, आज भी है जगह जगह हर शहर में, गाजियाबाद में तो करीबन 50 कत्ल खाने हैं जहाँ जानवरों को चोरा चुरा के छीन छीन कर लगा के काटा जाता है। जमीन खोदोगे तो पानी भी अब लाल निकलने लगा है। पहले हम क्या करते थे गांव में, कभी शक्कर और रोटी देते थे, ग्वाले को कहते थे एक दिन हमारे खेत में पशुओं को बैठा दियो, उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, पूरा यूरिया और खाद सब मिल जाता था। लेकिन अब आप देखें यूरिया की सब्सिडी दिन पे दिन बढ़ रही है, यूरिया की कंजम्पशन दिन पे दिन पर एकड़ बढ़ रही है, जमीन की उर्वरकता खत्म हो रही है, और किसान को आगे के चल के ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बदहाली में आ जाए। मेरा एक और सुझाव है जिसको आप समझ लें कि जो वन विभाग ने जगह जगह जमीनें छोड़ी हुई हैं, उस जगह बाड़े बना दिए जाएं, जो पशु बीमार हो हम पालन नहीं कर सकते वो उस बाड़े में उसको सुरक्षित रहने की जगह वृद्धाश्रम की तरह दे दो, तो ये हमारे यहाँ जो पिंक रिवोल्यूशन हो जाए। और इसके साथ मेरा एक सुझाव है कि दिल्ली जैसे शहर में, यानी हर बाहर शहर में जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ गौ पालन अलाउ हो। जब भेड़ पाल सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, गधा पाल सकते हैं, तो गौ क्यों नहीं पाल सकते। गाय है, हम गाय की तुलना सिर्फ दूध से करते हैं, दूध नहीं देगी तो गाय बेकार हो गई, लेकिन उसका आप हम 500 रुपए की एंटीबायोटिक खा लेंगे, एक गिलास गाय का मूत्र नहीं पी सकते। तो इसलिए, और इसके अलावा एक और हमारे कंट्री में दूसरा सबसे बड़ा गुंडागर्दी का अड्डा बन गया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में। तो मेरा संदेश है, एक अब जो रात की रानी का पेड़ है 10 रुपए का आता होगा, लेकिन वो कई लाख टन एयर क्लीन कर देता है, 10 मीटर पे भी उसकी खुशबू सूंघते हैं। इस तरह फूल बिखरा दो, जितने भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर खर्चा हो उसका 1% पेड़ लगा दे, बीज बेकर तो फूलों के, अच्छी वायु जाएगी, अच्छी बारिश होगी, धरती तो अपने आप फूलने लगेगी। इसलिए ये ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे जो गुंडागर्दी है ये सब बंद हो जाए। ज्यादा बिल्कुल नहीं लूंगा।